नमस्कार नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़ी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एमपी के रेड में भाजपा की चुनावी फौज कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही केंद्रीय मंत्री पदाधिकारी प्रचार करेंगे, जहाँ सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनावी प्रचार करने वाले हैं। अनूपपुर मंडला बालाघाट में प्रचार करेंगे नरेंद्र सिंह तोमर, भिंड दतिया में प्रचार करने वाले हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मुरैना में चुनावी प्रचार करेंगे। निर्मला सीतारमण इंदौर में पीसी करेंगी, साथ ही विजय वर्गीय आगर और शाजापुर में प्रचार करते नजर आएंगे। देवेंद्र फडणवीस की बुरहानपुर की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को दी गई है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वो भी प्रचार करते नजर आने वाले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कटनी सतना सागर में प्रचार प्रसार करेंगे, तो वहीं प्रहलाद पटेल विदिशा और रायसेन में भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो देखिए तमाम दौरे बीजेपी के दिग्गज नेताओं के, जहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। और कल की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आए थे, उन्होंने भी जनसभा को संबोधित किया था और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की थी। इसके बाद में अगर देख लिया जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री, पदाधिकारी, कार्यकर्ता सभी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और लगातार धुआंधार प्रचार यहां पर किया जा रहा है बीजेपी के दिग्गज नेताओं के द्वारा। और इसी के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान अनूपपुर मंडला बालाघाट में प्रचार करेंगे और जो बीजेपी प्रत्याशी है उनके पक्ष में, उनके समर्थन में आम जनता से वोट की अपील भी करने वाले हैं। और देखिए अगर हम बात करें तो घोषणा पत्र भी बीजेपी जल्द ही जारी कर सकती है। ऐसे में घोषणा पत्र जारी होने से पहले धुआंधार प्रचार यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ में संवाददाता विवेक पांडे जुड़ गए। विवेक, देख लिया जाए कि एमपी के रण में भाजपा की चुनावी फौज उतार दी गई है और लगातार यहां पर धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। बिल्कुल, जैसे ही मतदान नजदीक आ रहे हैं, मतदान का समय नजदीक आ रहा है, 17 नवंबर को मतदान मध्यप्रदेश में होना है, वैसे ही बीजेपी की जो रणनीति है वो काफी तेज हो गई है। और इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने जो अपनी फौज पूरी तैयार रखी है, बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के दौरे मध्यप्रदेश में हो रहे हैं, ठीक इसी तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, पार्टी के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी कई दौरे हैं, कई जिलों में मुख्यमंत्री की सभाएं होंगी, अनूपपुर मंडला बालाघाट जबलपुर में प्रचार प्रसार होगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भिंड दतिया शिवपुरी मुरैना में चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। इसके अलावा निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल भोपाल में थी, भोपाल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई प्रमुख जिलों से उन्होंने बात की। आज चुनाव प्रचार में उतरेंगी निर्मला सीतारमण और इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आगर शाजापुर में चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वो भी मध्यप्रदेश में आज कैंप कर रहे हैं और महाराष्ट्र से सटे हुए इलाके में उनका दौरा है। बुरहानपुर में फडणवीस का चुनाव प्रचार होगा और सबसे दिलचस्प बात है कि अर्चना छत्तीस के लिए प्रचार प्रसार करेगी। यहाँ से बीजेपी के इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से पहले अध्यक्ष थे नंद कुमार सिंह चौहान, उनके बेटे हर्षवर्धन इस बार मुकाबले में है बुरहानपुर से। और भाजपा ने हर्षवर्धन के बजाय बिल्कुल विवेक, तो देखा जा सकता है कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रचार किया जा रहा है और लगातार जो दिग्गज नेता है वो चुनावी मैदान में उतरे हुए। लेकिन जिस प्रकार से आप भी जमीनी स्तर पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि कैसी स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आए थे, उसके बाद में अब लगातार दिग्गजों का दौरा भी देखने को मिल रहा है, जमीनी स्तर पर जनता किस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रही है? बिल्कुल, मध्यप्रदेश के चुनाव में काफी ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है और दिलचस्प हो भी गया है, क्योंकि जनता डिवाइड एंड रूल पे भरोसा नहीं कर रही, यानी कि फूट डालो राज्य करो ये स्थिति नहीं है। जनता समझदार है और इसी समझदारी का परिचय आने वाले 17 नवंबर को देगी। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है ये बता रही है कि मुकाबला टक्कर का है। बीजेपी ये कह रही थी 200 के पार, कमलनाथ कह रहे थे कि 150 के पार। आखिर इन दोनों ही दावों में कितना फर्क है ये अभी पता हुआ है, यानी कि मतदाता पूरी तरीके से इस बार साइलेंट नहीं बल्कि वायलेंट है, कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। एक और कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि कमलनाथ की वापसी होगी, वही बीजेपी में कुछ अलग तरह से है। बीजेपी में कई चीजों की डिमांड होती है, बीजेपी में जो 7 सांसद उतारे गए थे, 3 केंद्रीय मंत्री, तो उनके समर्थक अलग अलग तरीके से तर्क दे रहे हैं।
वो ये चाहते हैं कि उनकी क्षेत्र से मुख्यमंत्री हो। ऐसे में सरकार किसकी बनेगी, जनता किसे वोट करेगी, ये आने वाले 17 नवंबर को स्पष्ट हो जाएगा और इसका खुलासा 3 दिसंबर को हो जाएगा जब परिणाम के नतीजे आएंगे। लेकिन मतदाता इस बार पूरी तरीके से अस्वस्थ है और अपने अधिकार के लिए वो इस पर जरूर वोट करेगा। जी बिल्कुल, और जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व को चुनावी मैदान में उतारा है और इसका कितना फायदा प्रत्याशी को हो पाता है, भाजपा को हो पाता है, ये एक बड़ा सवाल है। मैं लौटूंगी आपके पास में। तो देखिए, एमपी के रण में भाजपा की चुनावी फौज लगातार देखने को मिल रही है और यही वजह है कि एक के बाद एक तमाम जो दिग्गज नेता है वो प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। वीडी शर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके अलावा अगर हम बात करें सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री तमाम जो है वो भी लगातार मध्य प्रदेश पहुंच रहे और प्रचार यहाँ पर किया जा रहा है।